हेलो दोस्तों, आपका डॉली की रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, बॉइल्ड किए हुए हरे मटर सब ले लिए और सबको फाइनली बारीक एकदम चॉप किया है। अब देख लो, अब हम मैंने डायरेक्ट ही सबको वो कर दिया है फ्राई वाई करके, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हो, इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको भाजी की फुल रेसिपी चाहिए तो आपके कमेंट्स देख के मैं ज़रूर लाऊंगी। तो अब देखो, मैंने भाजी के अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है ताकि इसकी अच्छी खुशबू और टेस्ट आए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद अब ये देखो कितना अच्छा भाजी का कलर आ गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल दिया। अब चलो पाव की तैयारी करें। तो इसके लिए मैंने पाव, बटर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, चाट मसाला सब ले लिया। तो पाव को मैंने थोड़ा ज़्यादा फाड़ दिया था, अब कम ही फाड़ना। और इसके अंदर सबसे पहले आप लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला को डाल के इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल के धनिया डाल दो। और इस को अब एक आपको पैन लेना है और उसके अंदर पहले अच्छे से बटरिंग कर देना है और फिर अपने पाव रख के उसके ऊपर भी बटरिंग कर देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हम लोग को एकदम कड़क पाव पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहने दूंगी। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप इसको जल्दी भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम लोग इसको सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में भाजी निकाली है जिसके अंदर मैंने बटर डाल दिया, एक लेमन लिया है, 4 पाव लिए है और थोड़ा सा प्याज लिया है यानी ऑनियन, और इसको सर्व किया है। चलिए, बाय गाय।